हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक साइंस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्लास 5th की साइंस के बुक को हम वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 8 तक आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज करने जा रहे हैं हम चैप्टर 9। और प्लस इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, और ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट भी ना हो और अपने टाइम को भी बचा सकें और इम्पॉर्टेंट कंटेंट भी ले सकें। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यहाँ पे पहाड़ पर चढ़ने का कैंप है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करेंगे? उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे कैंप के लिए आए हुए थे, तो जिनमें से एक कैंप में केंद्रीय विद्यालय से भी करीब 20 टीचर थे, जिनमें से एक वो थी जिन्होंने ये पूरी स्टोरी जो है लिखी है, जिनकी डायरी की हम कुछ किस्सा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो इनके एडवेंचर कैंप के डायरेक्टर थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जो बाकी लोग भी आए थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग संस्थाओं से आए थे। और आज कैंप का जैसे दूसरा दिन है वो बता रही हैं, और सुबह जैसे बिस्तर से नीचे तो उनको दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था और उनके पैरों में भी छाले पड़ गए थे। पर ब्रिगेडियर ने नेक्स्ट डे ना जाने से उनके इस बहाने पे मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे, मतलब जो आज का जो डे है उसमें वो क्या रहेंगी? ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। ठीक है, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। तो कहाँ तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, और अब उन्होंने उनको जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने उस वो जो लेडी थी उनको क्या कहा कि अब आप ग्रुप की लीडर बनेंगी। तो पहाड़ पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो अब वो सोचती हैं कि यहाँ का डिसिप्लिन तो अलग है, तो मतलब मेरे को सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं। ठीक है, तो क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और जो एक ग्रुप लीडर होता है उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती हैं? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, और एक सबसे बड़ी चीज़, ग्रुप के किसी भी सदस्य से अगर गलती होती है तो आपको मुस्कुराकर उसकी सजा को भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो आपको ऐसे करके ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और आपको चूज करना होगा। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियां भी आई थी, और उनमें से सिर्फ मैं ही अकेले केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना जुलना मुझे अच्छा लगा, और एक दूसरे को इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, किसी भी लड़की को हिंदी नहीं आती थी। और इनमें से एक लड़की थी मिजोरम की, खोन दोन भी, ठीक है, वो उससे एक भी बार नहीं बात कर पाई थी। क्यों? क्योंकि केवल उसको मिजो भाषा ही आती थी। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मिजोरम के लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है, या फिर वहाँ के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। तो मिजो लैंग्वेज बोलते हैं। कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? मिजो। जो जो चीज़ें हाईलाइटेड ऑलरेडी करके दी गई हैं, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके अगर कहीं पे पढ़ना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप रीड आउट भी कर सकते हैं। जब नदी पार की। रोज की तरह सभी को रास्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिलता था। किस चीज़ के लिए मिलता था? ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। क्यों? ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें दी जाती थी? विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध। ठीक है, अब देखो, नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रास्ता खुल ना जाए, ये हुक उखड़ गए तो।
देखो ये क्या कर रहे हैं, नदी पार करने के लिए एक आपने देखा होगा एक वायर जैसा होता है और उस पर हुक लगा के जो क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे हम स्लिप करके पहुंच जाते हैं। तो ये उसी की बात कर रही है जब नदी पार की, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, पिटॉन मतलब खूंटो, खूंटो के बारे में बात की गई है, जो मैं वो ही बोल रहा हूँ, हुक टाइप होता है पिटॉन, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और जो हमारे प्रशिक्षक थे उन्होंने कमर पर रस्सी बांधी और उसमें स्लिंग एक तरह का हुक होता है उसको डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी पार कर गए थे। और जो उनके प्रशिक्षक थे, मतलब वो तो ट्रेनर थे, तो वो तो इजीली पार कर ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक स्टोरी सुनाई गई है, आप रीड कर सकते हैं चाहे तो रोक कर। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, देखो पहाड़ों पर जब भी हम चढ़ते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाइक चढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, थिक रोप, स्लिंग, एक्स, और खाने पीने के लिए या फिर और भी कई सारी सामान की चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक शीट, टेंट वगैरह लगाने के लिए फूड पैकेट्स, भूख लगेगी तो क्या खाओगे, वाटर बॉटल्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम पहाड़ों पे ऊपर की साइड चलते जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, और अस्थमा के पेशेंट्स को मोस्टली मना किया जाता है क्यों, क्योंकि ऊपर जाते टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, फर्स्ट एड किट, लाइक किसी को चोट लग गई तो टॉर्च, रास्ता दिखाने के लिए रात में या शाम को टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, और डायरी, ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है क्या, तो आपको बताना है रस्सी और हुक क्या है। हुक तो हुक ही होगा, रस्सी का मतलब होता है रोप। तो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये तो आपके लिए दिया गया है। आगे रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट बोलते हैं जिसको, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लेके हमें टेकला में खड़े हुए थे। तो देखो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें ले जानी होती हैं, आप इसमें देखो एक बार इसको दोबारा से पढ़ेंगे। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और भी कुछ खाने पीने का सामान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे कर्नल राम सिंह थे जो खूंटा गाड़ कर ऑलरेडी वहाँ की साइड पे खड़े हुए थे। लगभग 90 मीटर की ऊंची चट्टान के ऊपर वो वहाँ पे पहले से खड़े थे। और जैसे ही जब वो खुद चढ़ने जा रही होती है तो वो क्या करते हैं, गिर जाती है। तो हमें यहाँ पे एक गाइडेंस दिया गया है कि जैसे ये पिक्चर में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं ना, ऊपर रॉक पे चढ़ रहे हैं, तो इससे गिरने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो और कमर सीधी रखो और आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। जब वो एक बार फिसल गई थी ऐसे चढ़ते चढ़ते, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि रस्सी अच्छे से पकड़नी है, 90 डिग्री का कोण बनाकर चलना है और कमर सीधी रखनी है, आगे की साइड पे नहीं झुकना है। और एक बार वे फिर से बड़ी चट्टान को जमीन मानकर वे सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। देखो बच्चे, जब आप ऊपर चढ़े तो रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, और जब आप चढ़कर ऊपर से नीचे भी तो आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं पर्वतारोहण की भाषा में। क्या बोलेंगे, रैपलिंग, 1 मार्क में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एक मज़ेदार घटना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप इसका एक मैं बोलूँ तो एक समरी टाइप में समझ सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है कि इन लोगों को भूख लग रही थी, जिसमें से एक खून दोन भी थी जो कि मिजो भाषा सिर्फ जानती थी। आपस में ये लोग कोई लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उसको हिंदी इंग्लिश आती थी जो कि उसको नहीं आती थी। सिर्फ जो खून दोन भी थी उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी, मीजो भाषा। और वो एक खेत में कुछ चली गई थी, और जैसे आप बस इतना समझिए कि जब हमें किसी की लैंग्वेज नहीं समझ,
जब हमें किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के हाव भाव से भी चीज़ों को समझ लेते हैं कि लाइक हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आपने देखा होगा जब आप कई बार फॉरेनर से मिलते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप कम्युनिकेट एक दूसरे के हाव भाव को देख के भी कर ही सकते हैं, बट जब तक लैंग्वेज नहीं आती होगी तब तक आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक खास मुलाकात, रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया, वे थी बिछेंद्री पाल। आप देखिए बिछेंद्री पाल कौन है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी लोग गा बजा रहे थे और एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी, बेडू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी छैला। ठीक है, ये तो ये क्या था, ये सॉन्ग की कुछ लाइंस यहाँ पे दी गई हैं। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बिछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। आपको बिछेंद्री पाल का जैसे ही नाम लिया जाता है आपको ये चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि जो बिछेंद्री पाल थी वो सबसे पहली भारतीय महिला थी जो पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कहाँ पर चढ़ी थी, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी, बिछेंद्री पाल। और इनके जो इनको गाइड कर रहे थे या फिर जो इनको सिखा रहे थे वो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1-1 मार्क में ही ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहली भारतीय महिला पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिछेंद्री पाल, इनको कौन गाइड कर रहे थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नीचे है कैंप, कैंप के बारे में बताया गया है। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दो तह वाली सीट थी जिसमें हवा रुकी रहती थी और ठंड नहीं आती थी। और ये लोग सोने के लिए क्या यूज़ करते थे, स्लीपिंग बैग यूज़ करते थे जिसके अंदर जाके आप आराम से सो सकते हो, ताकि और इसके अंदर पंख भरे हुए थे जिससे गर्मी रहती थी। ठीक है, स्लीपिंग बैग की जो तह होती है, जो उसका नीचे का फ्लैट वाला पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, कुछ पंख बिछे हुए थे जिससे गर्मी रहे और आसानी से सो पाए। और ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ था, जब ये लोग अपने कैंप टाइम पे ही एक बार बर्फ का तूफान भी आ गया था, और प्लस इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, स्नोमैन बनाया, बर्फ के गोलों से खेले। आप लोग भी अगर ऐसी किसी बर्फीली जगह पे गए हों और आपके सामने बर्फ अगर पड़ी हो तो आपने भी ऐसा देखा होगा, ये कैंप फायर है आपने देखा होगा कहीं पर भी, लाइक बैठ के कैंप लगाते हैं, आग वगैरह जलाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। शिक्षक संकेत डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अनुभव है। अब जिस टीचर की हम तब से बात कर रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय की हैं, वो कहाँ से आई हुई हैं, शालीमार बाग से, जो कि दिल्ली में पढ़ाती हैं, और उनका नाम क्या है, संगीता अरोड़ा। इसीलिए मैंने सस्पेंस क्रिएट करके रखा था कि हाँ एक टीचर है केवी की, वो अपनी स्टोरी बता रही है, तो कौन थी वो, संगीता अरोड़ा, जो कि अपनी स्टोरी बता रही है कि हाँ हम वहाँ पे गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ें थी, तो केंद्रीय विद्यालय के शालीमार बाग की थी। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई, वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में 4,000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस नहीं उतर पाई। और ये कहानी कहाँ की है, हाँ यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाले बिछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। किसकी कहानी है, बिछेंद्री पाल की। कहाँ के रहने वाले थी वो, गढ़वाल के नाकुरी गांव में, गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली थी। और बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और उन्हें गाइड करने वाले कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और 1984 में बिछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ये जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे तो ध्यान रखना है इन्हें। कहाँ के थी बिछेंद्री पाल, गढ़वाल के नाकोरी गांव की थी। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग ली थी। किस कौन उन्हें गाइड कर रहे थे, विच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उनको चुना गया था। और एक धमाका हुआ, एक स्टोरी बताई गई है कि 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं,
और 15 मई की रात को जब टीम लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। और इस टाइम पर क्या हुआ था, एक बर्फ का तूफान आया था, एक तूफान चला था जिसमें जो है बिशेंद्री पाल बर्फ की चादर में लिपट गई थी, मतलब वो थोड़ा बहुत दब गई थी। और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उन्हें कुल्हाड़ी से खोद खोद कर निकाला था, जिसमें से जब ये भयंकर बर्फ का तूफान आया तो टीम के जो बाकी के लोग थे वो क्या थे, नीचे की तरफ जो बैंक का जो इनका बेस कैंप था उसकी तरफ लौटने लगे थे, पर फिर भी जो है बिछेंद्री पाल ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। बिछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि बिछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर कदम रखा था, और कितनी मीटर की उसकी ऊंचाई थी, 8900 मीटर। कितनी? 8900 मीटर। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि नेपाली में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। टाइम यहाँ पे मैंने लिख दिया है PM, मतलब वही दिन के 1:07 पर। और करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ही रहीं बिछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। और इनके साथ में इनका एक साथी भी था, ठीक है, पर यहाँ पे उनका नाम नहीं बताया गया है कि कौन उनका साथी था। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कब गई थी, कब उन्होंने कदम रखा। 23 मई 1984 को नेपाली में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। 8900 मीटर की उसकी ऊंचाई थी, और करीब करीब वो 43 मिनट्स वहाँ पर रही थी माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर। और इसी के साथ साथ बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। यहाँ पे पर्वतारोहण पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, ये सारी चीज़ें ली जाई जा सकती है। और जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप इन चीज़ों को दिखा सकते हो, मतलब जो भी हम चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ मॉडलिंग टाइप से। जैसे टीचिंग एग्जाम से तो आपको कई बार पैडागोजी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर हम बच्चों को रियल चीज़ों से कनेक्ट करेंगे तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ही बिछेंद्री पाल चढ़ी तो वहाँ पर उन्होंने तिरंगा गाड़ा था, तो क्यों गाड़ा होगा, अपनी कंट्री के ऑनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और यहाँ पे आपके बिछेंद्री से रिलेटेड चीज़ें हुई, रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड चीज़ें, और प्लस माउंटेनियरिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी इंपॉर्टेंट थी। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, प्लस अपना फीडबैक दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर।